हेलो फ्रेंड्स, मैं नमन शेख फ्रॉम blogtoot.com और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी यूज़फुल है जो 100% CPU का एरर पा रहे हैं। बहुत बार आपको मिलेगा कि आपको अपनी होस्टिंग कंपनी की तरफ से मेल आएगा कि आपका वेबसाइट 100% CPU यूज़ कर रहा है, आपको अपना प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा। सो आपको अपना प्लान अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप ये वीडियो को देखेंगे आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। नाउ बेसिकली प्रॉब्लम इसलिए अराइज होती है बिकॉज वर्डप्रेस PHP पे बेस्ड है, PHP पे बना हुआ है और PHP एक थोड़ा हैवी लैंग्वेज है। सो आपका होस्टिंग का बहुत सारा रिसोर्सेज यूज़ करती है वर्डप्रेस। सो हमें क्या करना है, हमें वो ऐसा कुछ सेटिंग करना है जिससे हमारा वेबसाइट बहुत कम रिसोर्सेज यूज़ करे बट उसके साथ साथ बहुत ही स्पीडी हो जाए और परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाए। सो यही मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। अभी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये एक वेबसाइट था जो मैंने क्रिएट किया था, ई कॉमर्स वेबसाइट, और ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत ही हैवी होते हैं बिकॉज उसमें बहुत सारे प्लगइन्स इस्तेमाल होते हैं, थीम भी बहुत हैवी होता है, इमेजेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, प्रोडक्ट्स रहते हैं, एक्स्ट्रा कोड्स रहते हैं, इसलिए वो वेबसाइट हैवी होते हैं। अभी आप GT मैट्रिक्स पे अगर इसका स्कोर चेक करेंगे बहुत ही बुरा है, इसे पेज स्पीड में F मिला है, विच इज़ मतलब समझ आइए पेज स्पीड में फेल है, इतना बुरा है इसका 35%। वाइस लो स्कोर भी बहुत बुरा है 55%। पेज को फुली लोड होने के लिए 5 सेकेंड लगते हैं और पेज का टोटल साइज़ है 2.64 MB। सो मैंने इसे थोड़ा इम्प्रूव किया है और उसके बाद मुझे ये रिज़ल्ट मिला। आप देख सकते हैं पेज स्पीड F से इंक्रीज हो गया, सीधा A हो गया है, 93% हो गया है और भी चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं। सो आप भी अपने वेबसाइट को ऐसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वीडियो देख के। अगर आप नए हैं इस चैनल पे देन मेक श्योर आप चैनल पे सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं सो दैट आपको नए नोटिफिकेशंस मिल सके। इस चैनल पे आपको बहुत ही यूज़फुल चीज़ें सीखने मिलेंगी ऑब्वियसली, जिससे आप थोड़े एक पैसे भी कमा सकेंगे, अपने वेबसाइट को, अपने बिजनेस को बढ़ा भी सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कुछ डाउट हो, कुछ रिक्वेस्ट हो मेरे लिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक अभी एक नया फ्रेश इंस्टॉल और फ्रेश वेबसाइट क्रिएट किया है। अभी सबसे पहले हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जो हमें ये सब चीज़ें करने में हेल्प करेगा। सो आप प्लगइन्स पे हावर करके ऐड न्यू कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ सर्च प्लगइन में जाके W3 टोटल कैश टाइप करें और आपको ये प्लगइन दिख जाना चाहिए। ओके, जब आप वो प्लगइन टाइप करेंगे सो आपको ये प्लगइन दिखेगा W3 टोटल कैश। आप देख सकते हैं 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा वेबसाइट्स इस प्लगइन को अपने वेबसाइट पे एट प्रेजेंट अभी के टाइम पे इस्तेमाल कर रही हैं, विच मीन्स कि ये प्लगइन सचमुच यूज़फुल है, रेटिंग्स भी बहुत अच्छी है। ओके, सो चलिए अभी हम सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, अभी इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, जैसे आप उस प्लगइन को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करेंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक नया ऑप्शन मिलेगा परफॉर्मेंस टैब। आप उस परफॉर्मेंस को हावर करके जनरल सेटिंग्स पे क्लिक करें। अभी आपको बहुत सारे यहाँ ऑप्शंस मिलेंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले प्रीव्यू का ऑप्शन है जनरल ऑप्शन में। सो इस प्रीव्यू के ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे जो भी आप अभी चेंजेस करने वाले हैं उसे प्रीव्यू करने के लिए। सो क्या कर सकते हैं, आप इसे इनेबल कर सकते हैं और एक चेंज करके फिर अपने वेबसाइट पे प्रीव्यू कर सकते हैं। मतलब ये चेंज आपने इसे इनेबल कर दिया, सपोज़ आप पेज कैश इनेबल करते हैं और सेव ऑल सेटिंग्स करते हैं तो ये सेटिंग्स सिर्फ आपके लिए सेव होगी, जो विजिटर है उसके लिए सेव नहीं होगी बिकॉज ये सिर्फ प्रीव्यू मोड पर है। अगर आपको लगता है ठीक है अभी सब सेटिंग्स अच्छे हैं, वेबसाइट एकदम अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आप उस पर डिप्लॉय पे क्लिक करके डिप्लॉय सेटिंग्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, जिससे आपके वेबसाइट पे सेटिंग्स डिप्लॉय हो जाएंगी और अभी ये सेटिंग्स सबको नज़र आएगी। अगर आपको कुछ इस वीडियो में नहीं समझे बिकॉज ये थोड़ा टेक्निकल वीडियो होने वाला है सो डोंट वरी, सिंपली मैं जो कर रहा हूँ आप वो सिंपल स्टेप्स फॉलो करें और आप अपने वेबसाइट में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट देखेंगे। सो मुझे प्रीव्यू मोड नहीं चाहिए, मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। ओके, सबसे पहला ऑप्शन है पेज कैश। अगर आप ये कुछ भी सेटिंग नहीं किया, आपने सिर्फ ये पेज कैश को इनेबल कर दिया, उसके बावजूद आपको बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर आप कुछ भी नहीं करके सिर्फ एक सेटिंग ये इनेबल कर देंगे तो आपको बहुत ही इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस में दिखेगा। सो सिंपली इसे टिक मार्क करें और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, आप डिस्क एनहांस्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव सेटिंग्स एंड पर्च कैशेस पे क्लिक कर दें।
उसके बाद आपको मिनिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो बेसिकली ये आपके CSS और जावा फाइल्स को यू नो मिनीफाई कर देगा, बहुत सारे जो कमेंट्स रहते हैं उसको रिमूव करके, जो स्पेस एक्स्ट्रा लाइन ब्रेक्स रहते हैं उसको रिमूव करके आपके फाइल को मिनीफाई कर देगा, फाइल के साइज़ को नो डिक्रीज कर देगा। और उसके साथ साथ आपके बिकॉज बहुत सारे CSS फाइल्स यूज़ होते हैं एक थीम में, सो सब CSS फाइल्स को कंबाइन भी कर देगा। सो ये कंबाइन और मिनीफाइंग का काम करता है। ऑब्वियसली अगेन मैं आपको फिर से यही बोलूँगा, थोड़ा टेक्निकल वीडियो है, आपको हो सकता है नहीं समझे, सिंपली मैं जो टिक मार्क कर रहा हूँ आप इसे टिक मार्क करें, सो एनेबल करें और आई अंडरस्टैंड द रिस्क पे क्लिक करें। अभी मिनीफाई मोड पे और ऑटो पे क्लिक रहने दे और बाकी सब सेटिंग्स आपको कुछ भी नहीं करनी है, सब डिफ़ॉल्ट रहने दे। सिंपली सेव सेटिंग्स एंड पर्च कैशेस पे क्लिक करें, उसके बाद स्क्रॉल करें और उसके बाद थर्ड ऑप्शन है ऑप कैश का, ऑप कोड कैश का। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड और इनेबल्ड रहता है, सो इसमें कुछ करना नहीं है आपको, सिंपली सेव सेटिंग्स एंड पर्च कैशेस कर दें। उसके बाद है डेटाबेस कैश, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है बिकॉज डेटाबेस कैश एक रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस है, विच मीन्स कि आपके अगर आप इसे इनेबल करेंगे तो हो सकता है आपके वेबसाइट की परफॉर्मेंस और बुरी हो जाए और आपके होस्टिंग की रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे। सो मैं आपको यू नो सजेस्ट करूँगा कि आप इसे इनेबल ना करें तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कैश का भी यही है बिकॉज ज़्यादातर लोग शेयर्ड होस्टिंग यूज़ करते हैं, शेयर्ड होस्टिंग में आपको बहुत ही कम रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं बिकॉज एक सिंगल सर्वर बहुत सारे लोग शेयर करते होते हैं। सो ये दो सेटिंग्स आप छोड़ दें, डेटाबेस कैश और ऑब्जेक्ट कैश, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपके साइट पे नहीं लाएंगी और कभी कभी आपके साइट को इनफैक्ट इम्प्रूवमेंट को और बिगाड़ सकती हैं। सो ये दो सेटिंग्स छोड़ दें। उसके बाद ब्राउज़र कैश पे आए, अभी आप देखेंगे ब्राउज़र कैश ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड है, सिंपली आप सेव सेटिंग्स एंड पर्च कैशेस पे कर दें। अभी ब्राउज़र कैश भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप गूगल क्रोम पे कोई वेबसाइट विजिट करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे ही आप वो वेबसाइट को विजिट करते हैं, क्रोम उस वेबसाइट का एक कैश फाइल बना लेता है। इसका मतलब ये है कि उसके इमेजेस को, उसके फाइल्स को, उसके पेजेस को, जो भी चीज़ आप विजिट करते हैं उसको कैश कर लेता है। आप बहुत बार एक्सपीरियंस किए होंगे जब आप वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम जाते हैं बहुत स्लो होता है, बट जब आप उसी वेबसाइट पे सेकंड बार जाते हैं तो बहुत ही फास्ट ओपन होता है। ये सब ब्राउज़र कैश की वजह से होता है बिकॉज जब फर्स्ट टाइम आप जाते हैं तो आपका गूगल क्रोम या फिर मोज़िला फायरफॉक्स जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके जो आप पेज को व्यू कर रहे हैं उसके फाइल्स को, उसके डेटा को कैश कर लेता है। और जब नेक्स्ट टाइम आप उस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपको कैश डेटा दिखाता है जिससे आपको बहुत ही फास्ट वो पेज ओपन हो जाता है। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्राउज़र कैश, मेक श्योर आप इसे इनेबल करके सेव सेटिंग्स एंड पर्च कैशेस पे क्लिक करें। अभी यहाँ CDN एक ऐसा मतलब CDN अब हम इस वीडियो में तो कवर नहीं कर रहे, मे बी नेक्स्ट वीडियो में या फिर अगले किसी वीडियो में मैं हो सकता है CDN कवर करूँ। CDN भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपकी वेबसाइट को बहुत ही इम्प्रूव करेगा, स्पेशली अगर आपका वेबसाइट मतलब बहुत ज़्यादा लोकेशन से व्यू हो रहा है, फॉर एग्जांपल सिंगापुर से, US से, मलेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से, सो ये चीज़ उस टाइम और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। CDN के बारे में ज़्यादा मैं नहीं बात करना चाहता बिकॉज आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ये हमें इस वीडियो में नहीं करना। ये बहुत ही यूज़फुल है बट ये एक प्रीमियम ऑफर है, मतलब एक प्रीमियम प्रोडक्ट है जिसके लिए आपको पे करना है। सो ये वीडियो में मैं कोई पेड चीज़ की नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ सिंपल और फ्री चीज़ें यूज़ करना चाहता हूँ, सो हम इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद रिवर्स प्रॉक्सी को भी आपको छोड़ देना है, मॉनिटरिंग को भी छोड़ देना है, सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपली आप बॉटम में आ जाए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन रहेगा, ये ऑप्टिमाइज डिस्क एनहांस्ड एंड पेज मिनीफाइड डिस्क कैशिंग फॉर NFS, इसे इनेबल करके सेव सेटिंग्स एंड पर्च कैशेस पे कर दें। इतनी सेटिंग्स करने के बाद आपका ये थिंग टोटली कंप्लीट हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं थोड़ा बहुत आपको साइड के एडवांस ऑप्शंस दिखा देता हूँ, आपको बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज बट कुछ लोग वो करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ, वरना आप सिर्फ इतनी सेटिंग्स करके अभी चलिए हम GT मैट्रिक्स पे जाते हैं और ये वेबसाइट का हम URL कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट करके देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं सिर्फ इतनी सी सेटिंग करने के बाद आपके पेज में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया है। आपका पेज स्पीड भी A है, वॉइस लो स्कोर A है, आपके पेज को लोड होने में सिर्फ
2 सेकेंड्स लग रहे हैं। अभी आप इसे और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप वॉइस स्लो पे क्लिक करेंगे तो बोलता है यूज़ अ CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सो अगर आप CDN यूज़ करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस और भी इम्प्रूव हो जाएगी। हो सकता है ये 100% हो जाए, ये भी 100% हो जाए और फुल्ली लोड टाइम भी डिक्रीज हो जाए। सो इतनी सेटिंग्स काफ़ी है, बट चलिए अभी थोड़ा बहुत ऊपर से देख लेते हैं। अभी ये जनरल सेटिंग्स होती है, मतलब पेज कैश आपने इनेबल कर दिया, यहाँ से हो गया। मिनिफिकेशन इनेबल कर दिया, हो गया। अभी आप इसे थोड़ा और ट्वीक कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल पेज कैश पे क्लिक करके आप इसके सेटिंग्स को ट्वीक कर सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं अभी। अभी आप कौन से पेजेस कैश करना चाहते हैं। पेज कैश का मतलब ये है कि आप वो पेज को कैश कर रहे हैं। सो हम फ्रंट पेज कैश करना चाहते हैं, ये भी कैश करना चाहते हैं, कॉमेंट्स पेज, साइट कैटेगरीज पेज और SSL कैश, SSL भी सेलेक्ट करें अगर आपके पास ये सिक्योर सॉकेट है, SSL सर्टिफिकेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे वेबसाइट पे है। और SSL सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आप अपना वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, आपके पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा TMD होस्टिंग का, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सुपर स्पीड होस्टिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके वेबसाइट की इम्प्रूवमेंट, आपकी स्पीड और परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में है, वो होस्टिंग है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप वो होस्टिंग पे क्लिक करें और वो होस्टिंग परचेस करें। स्पेशली अगर आप होस्टगेटर, ब्लू होस्ट, गोडैडी जैसा बहुत ही बकवास होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, सो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप माइग्रेट कर ले TMD पे, वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। उसके बाद हम 404 पेज को कैश नहीं करना चाहते हैं। 404 बेसिकली वो पेज है जब कोई आपके वेबसाइट पे कुछ सर्च करता है और उससे वो नहीं मिलता, सो आपको नॉट फाउंड 404 एरर का पेज मिलता है। सो वो पेज को कैश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो सिंपली इसे सेव सेटिंग्स एंड पर्च कैशेस कर दी। एक और सेटिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, डोंट कैश पेजेस फॉर फॉलोइंग यूज़र रूल्स। और यहाँ पर आप ये सभी को सब्सक्राइबर छोड़ के आप ये सभी को टिक कर दे और सेव सेटिंग्स एंड पर्च कैशेस पे क्लिक करें। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइबर को टिक मार्क नहीं कर रहे हैं। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी जब कैश पेज आपका कैश हो जाता है, इसका मतलब है कि एक वर्जन सेव हो गया है। मतलब कि अगर मैं एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैंने 2 कॉलम्स बनाए, एक रेड एक वाइट, मैंने सेव सेटिंग कर दिया, तो अभी वो सेटिंग सेव हो गया। अभी मेरे को ध्यान आया कि मैं रेड की जगह ब्लू करना चाहता हूँ, तो अगर मैं ब्लू करता हूँ और उसको देखता हूँ तो ब्लू नहीं दिखेगा मुझे, फिर भी रेड दिखेगा, बिकॉज वो मुझे कैश्ड वर्जन दिखा रहा है, मुझे वो लेटेस्ट वर्जन नहीं दिखा रहा है। सो हमें लेटेस्ट वर्जन देखना है। सो एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, इन लोगों को कैश वर्जन देखने की ज़रूरत नहीं है। सो आप सिंपली से जो मैंने सेटिंग्स किया, आप फिर से एक सेटिंग्स देख सकते हैं, मैंने जो टिक मार्क किया है आप उसे ही टिक मार्क करें। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन पर कुछ नहीं करना है। कैश प्रीलोड भी आप छोड़ सकते हैं अगर आप चाहे तो, इसे कैश प्रीलोड भी आप छोड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पर पर्च कैश पॉलिसी कौन कौन से पेजेस, तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो ज़्यादा बेटर है। बहुत ही अच्छी बात इस थीम, इस प्लगइन की ये है कि इनके जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो सबसे बेस्ट है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने इसको बहुत ही बेहतरीन प्लगइन बनाया है। और उसके बाद एडवांस में कभी कुछ टच ना करें, जो जैसा है उसे वैसा रहने दें। अभी चलिए मिनीफाई पे क्लिक करते हैं। अभी आप यहाँ पर ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ पर आए HTX, HTML और XML और इसे इनेबल कर दें। फिर इनलाइन CSS मिनिफिकेशन, इनलाइन JavaScript मिनिफिकेशन और लाइन रिमूवल, ये चारों चीज़ों को यहाँ से इनेबल करके सेव सेटिंग्स एंड पर्च कैशेस पे क्लिक कर दें। और उसके बाद JavaScript पे और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये सब चीज़ रहने दें। थोड़ा समझा देता हूँ मैं, ताकि अगर कोई समझने वाला हो तो कम से कम समझ जाए। मैं बेसिकली मैं ये सोचता हूँ कि अक्सर लोग जो वीडियोस देखते हैं उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है। मैं किसी को इंसल्ट नहीं करना कि नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को अच्छी जानकारी होती है, बट मैं जस्ट एक नॉर्मल बात करता हूँ, एक आम ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। अभी अगर आप CSS मिनिफिकेशन के सेटिंग पे देखेंगे तो यहाँ कुछ सेटिंग्स है, फॉर एग्जांपल इनेबल कंबाइन ओनली, फिर इसके बाद प्रिजर्व कमेंट रिमूवल। सो अगर आप मिनीफाई नहीं करना चाहते, सिर्फ कंबाइन करना चाहते हो, सो आप इस पर टिक कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली हमें मिनीफाई भी करना है और कंबाइन भी करना है। मिनीफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। सो आप इसे इनेबल पे रहने दें और हमेशा फिर से एडवांस पे हमें कुछ भी टिक नहीं करना है, सो उसे छोड़ दे। डेटाबेस कैश हमने छोड़ दिया है, ऑब्जेक्ट कैश छोड़ दिया है, ब्राउज़र कैश पे आते हैं। ओके, सो यहाँ पर सेट लास्ट मॉडिफाइड हेडर पे टिक मार्क करें, सेट एक्सपायर हेडर टिक मार्क करें, सेट कैश कंट्रोल हेडर टिक मार्क कर दे,
और उसके बाद बस इतनी काफ़ी है। उसके बाद आप फिर से सेव सेटिंग्स एंड पर्ज कैशेस पे क्लिक कर दें, और यहाँ भी आपको CSS एंड जावास्क्रिप्ट में भी वही करना है। यहाँ पर सब सेटिंग्स पहले से सही हैं। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स है वो काफ़ी है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी चलिए फिर से एक बार इसे रीटेस्ट करते हैं और देखते हैं इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं कुछ। पहले आप देख लें जो भी अभी के स्कोर है, 97, 94, 2 सेकेंड्स, 247 KB और 11 रिक्वेस्ट। चलिए इसे रीटेस्ट करते हैं। ओके गाइस, सो अभी आप देखेंगे कि ये स्कोर सेम है, 97, 94। एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट हुई है, वो है फुल्ली लोडेड टाइम 0.3 सेकेंड से इम्प्रूव हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया, वो जनरल सेटिंग्स काफ़ी होते हैं और ये एडवांस सेटिंग्स से आप थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपने वेबसाइट की परफॉर्मेंस और स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आई होप आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये हेल्पफुल लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ कमेंट्स है, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन पे नीचे डाल सकते हैं। और मैं आपको हाईली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले और भी वीडियोस क्रिएट करने में। ओके गाइस, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून।